इस देश के कानून में कहीं मजहब नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, बांटा नहीं गया कि इस देश में कोई भी काम मजहब की बुनियाद पर होगा। मजहब की बुनियाद पर इस देश में कोई काम नहीं होगा। यह कानून किसने बनाया? बाबा साहेब अंबेडकर ने। हम बाबा साहेब अंबेडकर की सलाहियतों को सलाम करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कोशिशें की हैं उनकी कोशिशों को हम सलाम करते हैं। बड़ी मेहनत करके उन्होंने बहुत दूरंदेशी के साथ इस देश की बुनियाद रखी। बुनियाद और बुनियाद क्या है? सेकुलरिज्म, जमहूरियत, काया मजहब के नाम पर कुछ नहीं होगा। समझ रहे ना बात आप मेरी? अब ये CAB आया पहले, उसके बाद CAA, ये कानून बन गया। कानून पहली बार आजादी हिंद के बाद पहली बार 70 सालों में पहली बार ऐसी कोशिश हुई है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की गई, हमारे देश के संविधान में अमेंडमेंट हुआ। मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगा हमारे दलित भाइयों से, आप तवज्जो करें इसलिए कि आपका तवज्जो करना बहुत जरूरी है। इस देश में सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए दलित भाइयों को आगे आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, राइट हो, लेफ्ट हो, आप सबका आगे आना जरूरी है। आप सबका आगे आना जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश का संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, उनकी पूरी टीम ने बनाई। मैं दलित भाइयों से कहना चाहूंगा कि कितनी बड़ी साजिश है हमारे देश के संविधान लात मार के कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये देश कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, हमेशा हमारा रहेगा। हम इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम पैदा भी यही होते हैं, मरते भी यही हैं, और हमें इस देश की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है कि हम दफन भी यही होते हैं। हम छोड़ करके कहीं जाते नहीं, कहीं जाते नहीं, हम यहीं दफन होते हैं। अल्लाह अकबर। बाबा साहेब अंबेडकर ने और उनकी पूरी टीम ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, देश का संविधान बनाया, देश का दस्तूर बनाया। ये देख रहे हैं ना, ये बाबा साहेब अंबेडकर का सर्कल है ना। बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़ी पढ़ी लिखी पर्सनालिटी। यहां जितने दलित भाई आए हुए मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, इस देश के दस्तूर की असास आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 पढ़िए, पता चलेगा कि इस देश की बुनियाद किसी मजहब पर नहीं रखी गई। ये देश जमहूरियत की कानून बनाएगा, केवल और मुस्लिम माता पीढ़ी तरह कड़ी नाने मुंतरी यहां पर तिर पड़ी होना ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವ್ರು ಬಿದ್ದು ಹೊಂಟಿವಿ ಏನ್ ಮಹಾಕತ್ರಿ ಕೇಸಿನಾಗ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದ